दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल के हिंसा हंगामे को 8 दिन हो चुके हैं। उपद्रव, मारकाट, हंगामे के मंजर को एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है और आखिर अब जहांगीरपुरी का माहौल क्या है? क्या इलाके में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है? क्या हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की जो दीवार खड़ा करने की कोशिश की गई वो गिर चुकी है? ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जहांगीरपुरी की बदली तस्वीर। कौमी एकता की दिखी नजीर। हिंदू मुस्लिम तिरंगे के साथ हर धर्म के लोगों ने मिलाया हाथ। 8 दिन बाद कैसे बदले हालात? जहांगीरपुरी में अब शांति या तनाव? जहांगीरपुरी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बवाल के बाद जहांगीरपुरी के मन की बात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना कायम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में जो रंग दिखा उसने हिंसा के सारे जख्मों को जैसे मिटा दिया हो। इस तिरंगा यात्रा ने हिंदू मुस्लिम की खाई को पाट दिया और पूरा इलाका एकता के रंग में रंगा दिखा। ये हिंदुस्तान का असली रंग है, ये हिंदुस्तान की असली तहजीब है, ये हिंदुस्तान की असली पहचान है, ये हिंदुस्तान की एकता का जहान है। हिंदुस्तान को बांटने की साजिश रचने वाले इस तस्वीर को गौर से देख लें कि हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। धर्म के नाम पर सियासत करने वाले देख लें कि हिंदुस्तान का एक ही रंग है और वो रंग है तिरंगा। जहांगीरपुरी में हिंसा के 8 दिन बाद जब सद्भावना की तिरंगा यात्रा निकली तो पूरा माहौल एक रंग में रंग गया। यहाँ न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था और न कोई ईसाई, बल्कि यहाँ सब थे भाई भाई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो है हिंदुस्तान की एकता की ये तस्वीरें देखी जा सकती है और उन लोगों के लिए एक कड़ा मैसेज है जो हमेशा नफरत का बीज बोने की कवायद करते हैं और ऐसे मौके का इंतजार करते हैं जब वो सियासी अपनी रोटियां सेक सके। निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक लोगों में लोग जो है हाथों में तिरंगा लिए हुए, दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो इस वक्त जहांगीरपुरी में की सड़कों से गुजर रहे हैं, उन इलाकों से गुजर रहे हैं। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब जहांगीरपुरी में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। इलाके में शांति, अमन और भाईचारे की बुनियाद रखी जाने लगी है। कौमी एकता के लिए यहां कई संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। कड़ी सुरक्षा के बीच तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हिंदू मुस्लिम समेत सभी समुदाय के लोगों ने शिरकत की। हर किसी का बस एक ही संदेश था कि हम सब एक हैं, किसी के बीच कोई भेदभाव और कोई मनमुटाव नहीं है। हमारे दिलों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए और हम लोग आगे से जब भी कोई ऐसी यात्राएं होंगी, चाहे मुहर्रम हो या फिर हनुमान जयंती पर कोई यात्रा हो, तो हम लोग मिलकर उन यात्राओं को निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमन चैन सर है, सब प्रेम सर है और हम भी यही चाहते हैं सब मिलकर हैं, कोई लड़ाई होना किसी तरह का नहीं होना चाहिए। फिलहाल जहांगीरपुरी में हर तरफ शांति है, हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस का पहरा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी अब सामान्य हो चली है। हालांकि जगह जगह उस दिन के जख्मों के निशान बाकी हैं, लेकिन जब लोगों से बात करो तो लगता ही नहीं कि यहां कुछ ऐसा हुआ भी था जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। कुंदन सिंह के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो वहीं टाइम्स और नवभारत के सहयोगी प्रेरित कुमार हिंसा के 8 दिन बाद आज जहांगीरपुरी के उस सी ब्लॉक पहुंचे जहां 16 अप्रैल को हिंसा की आग के लपटे उठी थी। इलाके में चप्पे चप्पे की पड़ताल प्रेरित ने की और देखा कि पुलिस के पहरे में जहांगीरपुरी में जिंदगी कैसे पटरी पर लौट रही है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है।
जहांगीरपुरी में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। 16 अप्रैल को जिस जगह हिंसा हंगामा मारकाट मचा, अब उस जगह शांति सुकून और अमन की तस्वीर दिखने लगी है। जहांगीरपुरी की गलियों में अब हिंसा का शोर शराबा नहीं है, बल्कि शांति का सन्नाटा है। तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह सकता कि 16 अप्रैल को यहां इस कदर बवाल मचा था। यहां पत्थर बरसाए गए थे, तलवारें लहराई गई थी, लाठी डंडे चले थे, बोतलें फेंकी गई थी। अब यहां उस उपद्रव का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि इलाके में सुरक्षा के बंदोबस्त अब भी कड़े हैं। यहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि वो तस्वीर अभी भी मौजूद है, कि देखिए किस तरीके से जो है पुलिस जो है यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। यहाँ देखिए कि चारों तरफ जहाँ भी निगाहें जा रही है वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी बाहरी आदमी का एक्सेस अंदर की तरफ ना हो सके। और जो अंदर जो ब्लॉक्स हैं, चाहे वो सी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की गई है। जहाँ पर दिल्ली पुलिस के भी पुलिस बल मौजूद हैं, CRPF के भी जो है सो जवान मौजूद हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज मिल करके इस पूरे इलाके पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल में रहे। तो देखिए कि ये जो किस तरीके से कुशल चौक पर आप तस्वीर देख रहे हैं, कि देखिए कि मस्जिद के बाहर भी जो है यहाँ पे जहाँ पे मस्जिद है और उसके ठीक बगल में मंदिर है, वहाँ पर भी पुलिस जो है सो भारी संख्या में मौजूद है। और दूसरी तरफ की जो सड़क है इस वहाँ भी उसके एंट्री पॉइंट पे बैरिकेड के जरिए जो है ब्लॉक कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। 16 अप्रैल को जिन इलाकों में हिंसा भड़की वहां बैरिकेडिंग की गई है। कुशल चौक और मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। यहां तक कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी करने के लिए CCTV कैमरे भी खंभों पर लगा दिए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग दिल्ली पुलिस कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस यहां पर पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। पुलिस जो है लगातार यहां पर इलाके पर नजर बनाए हुए है, जिसकी एक तस्वीर मैं दिखा सकता हूं कि देखिए किस तरीके से जो है ये बिजली का खंभा है, इसके ऊपर जो है चार चार CCTV जो है कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए, जिसका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो दिल्ली पुलिस के पास है। उसके अलावा इस तरह के कैमरे जो है सो पूरे इलाके में और भी कई जगह लगाए गए हैं ताकि जो है उन लोगों पर नज़र रखी जा सके, यहाँ पर इलाके पर नज़र रखी जा सके और सिचुएशन जो है पूरे अंडर कंट्रोल में हो। उसके अलावा जो है यहाँ पर हर थोड़ी देर में जो है ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके पर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि जो इलाका है ये हाईली डेंस इलाका माना जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर ड्रोन के जरिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार ने हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के 8 दिन बाद जहांगीरपुरी में ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने देखने की कोशिश की कि अब इलाके में कैसे हालात हैं, क्या अब भी जहांगीरपुरी के लोग दहशत में हैं या फिर उस दिन के तांडव को भूल चुके हैं। ये जो जूस का कॉर्नर था ये पूरे तरीके से जो है ये इसे जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर के इस पूरे जूस कॉर्नर को तोड़ दिया गया, जिसका अवशेष आप देख सकते हैं। और इसके अवशेष को देख करके आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है MCD ने ठोस कार्रवाई की। और दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से जो है MCD ने कार्रवाई की अवैध अतिक्रमण को लेकर के, और अवैध अतिक्रमण के आधार पर जितने भी अतिक्रमित जगह थे उन अतिक्रमित जगहों पर जो है MCD ने अपना बुलडोजर चलाते हुए उसे निस्तनाबूद कर दिया। तो देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये जो मलबा देख रहे हैं, मलबा नुमा जो अवशेष देख रहे हैं, ये सब अवैध अतिक्रमण के जरिए ये तोड़े हुए ये अवशेष हैं। और जो यहाँ पर जो अवशेष के तौर पर जो सामान बचे थे उसे जो है नॉर्थ MCD यहाँ से इसे उठा करके लेकर के जा चुकी है। जहाँ भी निगाहें जा रही वहाँ पर या तो ये पीले कलर का बैरिकेड दिख रहा है, या फिर ये देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती दिख रही है, चाहे वो CRPF हो, चाहे दूसरी तरफ जो है RAF के जवान आप देख सकते हैं जो नीली वर्दी में आ रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर पुलिस बल हैं उनकी मौजूदगी है इलाके में। और इस इलाके पर जो है दिल्ली पुलिस लगातार अपनी नजर बनाए हुए, चाहे वो CCTV कैमरे के जरिए हो, या फिर पुलिस के जो गश्त टीम है उसके जरिए हो, या फिर यूं कहें कि दिल्ली पुलिस जो यहां पर लगातार ड्रोन के जरिए इलाके पर नजर बनाए हुए है ताकि इस इलाके को पूरे तरीके से अंडर कंट्रोल में रखा जा सके। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। सड़कों पर अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब भी इलाके में अतिक्रमण की तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली है। फिर कुछ जगहों पर लोगों ने दुकानें लगा ली है। तो पूरे इलाके
तरीके के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करते हुए अपने हाथ में काबू किया। लेकिन उसके बाद जो है जो दोनों पक्ष जो है वो बीते दिनों एक साथ खड़े हुए और एक साथ खड़े होकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से पहले से रहते आए हैं उसी तरीके से हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने की भी बात कही, जिसके तहत वो एक संदेश देना चाहते हैं कि जहांगीरपुरी में दोनों पक्ष जो है वो शांति और सौहार्द के साथ एक साथ रहना चाहते हैं, जिस तरीके से वो 1975 से लगातार रहते आए हैं। क्या आपको पता है कि आपने जो दुकान लगा रखी है ये मेन रोड पे लगा रखी है? हाँ जी, क्योंकि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभी बीते दिनों कार्रवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल 2 सप्ताह के लिए जो रोक लगाई है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर दुकान पर लगाए हुए हैं अतिक्रमित करके, तो कार्रवाई तो आपके ऊपर भी होगी। हाँ जी, तो फिर ऐसे अतिक्रमित करके आपने क्यों लगाया हुआ है? सर, काम धंधा है, क्या करें, काम धंधा भी करना। हालांकि सुकून इस बात का है कि इलाके में अब शांति है, लोग भाईचारे को अपनाकर पुरानी बातों को भुलाने लगे हैं, जहांगीरपुरी के जख्म भरने लगे हैं और पुलिस के पहरे के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ने की कोशिश में जुट गई है। कुंदन सिंह, प्रेरित कुमार के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।